हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आई हूँ आउटिंग पे कान्हा के साथ। कान्हा की फर्स्ट आउटिंग है ये माउंटेन्स पे। तो हम आए हैं ऋषिकेश एंड ये रहा कान्हा। कान्हा से हेलो, हाय हाय गाइस। देखिए कान्हा कितना खुश है ना। तो गाइस एक्चुअली क्या था ना कि मुझे कान्हा को लेके कहीं बाहर जाना था, बट ऐसी जगह नहीं जाना था जो बहुत ज़्यादा दूर भी हो। तो एनसीआर से ऋषिकेश जो है वो थोड़ा पास पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए, और कान्हा की फर्स्ट ट्रैवलिंग थी तो हम चाहते थे कान्हा यूज टू हो जाए अपनी ट्रैवलिंग के साथ। तो हमें ऋषिकेश बेस्ट ऑप्शन लगा, पर मुझे होटल्स में रुकना नहीं था, मुझे कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना था। तो कैंपिंग जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी, सो मैंने ये थोड़ी सी ना न्यू लोकेशन ढूंढी। आइए आप सबको दिखाती हूँ। सो ये है कुछ कैंप से व्यू। एज यू कैन सी, इतने मतलब इतना अच्छा व्यू है कि माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। और यहाँ पे मौसम बदलते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता है कब मौसम बदल जाता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कुछ कैंप ऐसा सा लगता है। ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो हैं टूरिस्ट आते हुए। तो ये कुछ है यहाँ का, ये कुछ यहाँ का है किचन, किचन एरिया, और यहाँ से है कैंप्स। एंड ये वाला कैंप जो है ये हमारा है, ये देखिए। सीरियसली अगर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी होटल्स में ना रुक के कैंप में रुकिए। सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं कान्हा के साथ, एक छोटे बेबी के साथ। मुझे बहुत इजी हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही है उसकी बॉटल स्टेरलाइज करने में या वॉशरूम यूज़ करने में। एंड मैं कैंप के मज़े भी ले पा रही हूँ एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। सो आइए आपको मैं अपना कैंप का छोटा सा टूर भी कराती हूँ। हाँ तो चलिए आपको टेंट दिखाती हूँ हमारा। ये देखिए यहाँ से था एंट्रेंस और ये हम आ गए हमारे टेंट में। और ये देखिए यहाँ पे एक डबल बेड लगा हुआ है और ये दूसरा, तो आराम से 4 से 5 लोग यहाँ पे एक टेंट में स्टे कर सकते हैं। और एकदम क्लीन एंड वेल मैनेज्ड है। और आप देख सकते हैं कि एसी रूम्स भी हैं और नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ कूलर भी लगा हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा एंड स्पेशियस टेंट है, तो आप अपना सामान भी इजीली रख सकते हैं। और ये वॉशरूम देखिए, बाकी जगह टेंट में अगर वॉशरूम्स होते हैं तो वो क्लीन नहीं होते हैं, बट ये एकदम प्रॉपरली वेल मैनेज्ड वॉशरूम था, तो बहुत इजी था यूज़ करने। आज हमारा फर्स्ट डे है ऋषिकेश में कैंप में। सो अभी तक तो हमने एक्सपीरियंस किया इस कैंप में, जो कि हमें मिला, बहुत अच्छी डील मिली है हमें, जिसमें हमारा लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर जो है वो इंक्लूडेड है। सब कुछ मिल रहा है यहीं से, सो ज़्यादा इधर उधर भागना भी नहीं पड़ रहा है ना, आप नेचर अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हो। एंड हाँ, थोड़ा सा नीचे जाते ही हमें रिवर का एक्सेस भी है। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का बुफे लगता है, आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से ले सकते हैं, आराम से यहाँ पे तीनों मील्स अपनी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं हमारी प्राइवेट नदी के पास। मजाक कर रही हूँ, चलो 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 चलो। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह, इतनी शांति मिलती है ऐसी जगह पे जाकर। कितना प्यारा सा वे बना हुआ है रिवर तक के लिए, बहुत ही छोटा है, आप आराम से 1 मिनट के अंदर आपको अपनी रिवर दिख जाएगी। और ये हम जाते हुए नीचे, हाँ थोड़ा सा रास्ता उठक पटक है तो आराम से जाना है। ये आए हम नीचे और कितनी अच्छे से रिवर की आवाज़ आती है और आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। ये मैं कान्हा के साथ अपने प्यारे से मोमेंट्स इंजॉय करते हुए बहुत आराम से शांति से बैठे, और कान्हा भी बहुत इंजॉय कर रहा था। और बारिश आ गई तो ये हम बारिश के मज़े लेते हुए चाय पीते हुए। लास्ट में गाइस, मेरा फ़ोन जो था वो टूट गया, तो कुछ क्लिप्स नहीं थी, ये थोड़ी बहुत क्लिप्स से मैं जो व्लॉग बना पाई बनाया। एंड प्लीज़ आप कमेंट्स में कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। बाय।